नमस्कार, न्यूज 29 इंडिया में आपका स्वागत है और आपके साथ मैं हूं साक्षी। आइए नजर डालते हैं अभी की कुछ फटाफट खबरों पर। अजमेर में रेलवे में निजीकरण के खिलाफ कर्मचारियों ने काम बंद कर किया प्रदर्शन, साथ ही सरकार का पुतला फूंक कर आक्रोश किया व्यक्त। जालंधर अमृतसर हाईवे पर स्टेयरिंग फेल होने से एक स्कूल बस बेकाबू होकर PAP फ्लाईओवर से नीचे गिरी, हादसे में कुछ बच्चों को आई मामूली चोटें। झारखंड के खूंटी जिले के मुरहू थाना क्षेत्र के इंदिरा कॉलोनी में एक युवक की करंट की चपेट में आने से हुई मौत, कटहल के पेड़ पर चढ़कर तोड़ रहा था कटहल। अजमेर में बांद्रा उदयपुर चलती ट्रेन से चोर उड़ा ले गए थे 3.25 करोड़ के जेवरात, 6 माह बाद हुए गिरफ्तार। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने योगी सरकार पर निशाना साधते हुए किया ट्वीट, कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था बनाए रखने में विफल साबित हो रही योगी सरकार। महिला फुटबॉल विश्व कप के सेमीफाइनल में पहुंची इंग्लैंड की टीम, इंग्लिश टीम की अब 5 मैचों में रही लगातार 5वीं जीत। जुलाई में पहले अमेरिकी दौरे पर रवाना होंगे पाकिस्तान के PM इमरान खान, डोनाल्ड ट्रंप से हो सकती है मीटिंग। ओसाका में G20 शिखर सम्मेलन में ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने नरेंद्र मोदी के साथ ली सेल्फी, बोले कितने अच्छे हैं मोदी। यूरोप में गर्मी ने तोड़ा रिकॉर्ड, फ्रांस में लोगों के हाल बेहाल, US में 7 प्रवासियों की हुई मौत। कासगंज में बच्चे की शरारत से नाराज होकर सौतेले पिता ने की बच्चे की पीट पीट कर हत्या, आरोपी हुआ मौके से फरार। अभी की खबरों में फिलहाल इतना ही, लगातार खबरों के लिए बने रहिए न्यूज 29 इंडिया के साथ। एक देश सारे प्रदेश।